चढ़ने में इतना हालत खराब हो गया है, चढ़ा नहीं जा रहा है। ये कहते हैं तो वर्कआउट नहीं होता है ना, नहीं होता है तो यही होता। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि देख सकते हैं आप, हम फिर से रोड पे निकल चुके हैं। तो आज हमारी सवारी जा रही है जोगीमठ रिजर्व फॉरेस्ट की तरफ। ये पड़ता है चित्रदुर्गा में, जो कि है 70 किलोमीटर फ्रॉम दावणगिरी। ये कहा जाता है कि जोगीमठ इज दी नियरेस्ट हिल स्टेशन टू दावणगिरी एंड इट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स डिस्ट्रिक्ट। चलिए और सारी इन्फॉर्मेशन आगे देती रहूंगी मैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं जोगीमठ, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बीच फॉरेस्ट से हम लोग गुजर रहे हैं और जा रहे हैं अपने मेन पॉइंट जोगीमठ हाईएस्ट पॉइंट पे। और फ्रेंड्स, ये जगह जो है मेंटेन की जाती है यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, इसीलिए इतनी क्लीन है। और इसको मेंटेन करने के लिए पर पर्सन यहाँ की एंट्री फीस रखी गई है ₹25, विच इज वेरी मिनिमम। एंड अकॉर्डिंग टू गूगल, ये हिल स्टेशन का नाम यहाँ के एक लोकल सेंट साधु के नाम पे रखा गया है, जिसके नाम पे यहाँ पे एक मंदिर भी डेडिकेट किया गया है। आगे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और एंजॉय करिए मेरे साथ ये व्यू। फ्रेंड्स, ये जगह फेमस है सनराइज एंड सनसेट के लिए, मोस्टली सनराइज के लिए, बिकॉज टाइमिंग इसकी ऐसी है कि 5 AM टू 12 PM ही ओपन रहता है। सो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। एनीवेज, चलिए मेरे साथ एंजॉय करिए यहाँ का व्यू और देखिए मेरे साथ ये जगह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग आए हुए हैं जोगीमठ में। बहुत पहाड़ चढ़ के स्कूटी से आए हैं अभी तक, और अभी इतनी सारी सीढ़ियां चढ़नी भी है। देखिए आगे, चलिए चढ़ते हैं आज सीढ़ी। आज पूरा वर्कआउट होगा इसी के साथ। चलिए चलिए, अभी पहाड़ चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ना है अभी। ये दो कपल आ रहे हैं, आपके कपल आ रहे हैं सीढ़ी चढ़ने में। ये इतना हाल खराब हो गया है, चढ़ा नहीं जा रहा है। कहते हैं वर्कआउट नहीं होता है ना, यही होता है तो यही होता है। और अब फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं मेन पॉइंट, जो कि है जोगीमठ। यू देखना चाहेंगे, ये पीछे है मंदिर, दिस वन, ये है मंदिर, ये मंदिर। और अब गाइस, चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ व्यू।
Jogimatti completed. और अब next destination है zoo. चलिए दिखाती हूँ आपको zoo भी. तो friends, आया ना मजा व्यू देख के. तो चलिए अब मैं आपको लेके जा रही हूँ यहाँ की एक और डेस्टिनेशन पे, जो कि है अधुमलेश्वर जू. हाँ, यहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बट दिस इज द गुड प्लेस फॉर किड्स टू एंजॉय. जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है बच्चों के लिए, जहाँ पे वो लोग एंजॉय कर सकते हैं. एंड ये जू बनाया था इको टूरिज्म एडवेंचर सेंटर ने, 2010 में ओपन किया था. एंड फॉर द एनिमल प्रोटेक्शन और उनके रहने के लिए 2012 में इसे सेंट्रल जू अथॉरिटी ने रेनोवेट किया. तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए कि हमें कितने एनिमल्स दिखे. हाँ, यहाँ हमें देखने के लिए ज़्यादा एनिमल्स नहीं मिले, बट स्टिल बच्चों ने एंजॉय किया, उन्हें लिमिटेड एनिमल्स दिख गए. चलिए, वी आर लीविंग नाउ. बाय बाय.